171. मेन रीज़न ये भी था कि जो पहले जो कोटिंग कराई थी वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ओवर हीटिंग की वजह से रिंकल सा आ रखा था एंड तो आज देखेंगे कौन कौन सा कलर अवेलेबल है। आई एम प्लानिंग फॉर सिल्वर कलर, सिल्वर से चाहेंगे थोड़ा सा वाइब अलग लगेगा। तो आपसे बात हुआ था फ़ोन पे, ये वाले वाइज़र में वो कराना है या तो सिल्वर या फिर कलर, और बाकी जो है बता दो। लाइट नहीं है क्या? हाँ टेंट में या फिर जो सिल्वर कलर आता है वो, सिल्वर कलर भी अच्छा था। एक बार दिखा दो कौन कौन सा कलर लगा सकते हैं, उसके हिसाब से देखता हूँ मैं। तो अभी हम आ चुके हैं कैमलिन क्रिएटिव, यहाँ से करवा रहे हैं बाइक रैप। लोगोस काफी सारे हैं बट अभी फिलहाल रैपिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं फुटबॉल लवर्स कैन गो फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, मैनी अदर। ये वाला फुल मैट बैक है, इसमें विजिबिलिटी नहीं आएगा ना? विजिबल नहीं होगा। ओके दूसरा और कौन सा? BMW. Yeah, this is BMW engine. GS310 is there, right? So that is actually a touring bike. But when they for the brand name you have to give a lot. Yeah, that will cost you around 450,000 something. Exactly. So it's better to. Yeah, that's what. More better name than BMW. Yeah. Yeah, so yeah, riding and all, like it comes with the twin cylinder, right? Mm-hmm. So the like vibration is less in that. I have a new power. So like different modes are there. This is track mode.
sorry, sports mode. Then this is track. Then this is urban, and the second one is rain. So you're like, depending on this, you will get the difference in BHP power. Like in urban and rain, it will come 24, and sports and track it will be 34. तो अभी इस वाले से विजिबिलिटी है इस वाले में कार्बन वाला तो नहीं चाहिए या तो ये विजिबिलिटी वाला ये सही है और सिल्वर अगर है आपके पास तो सिल्वर वाला दिखा दो सिल्वर में विजिबल चाहिए नहीं सिल्वर में विजिबल नहीं चाहिए सिल्वर में प्रॉपर सिल्वर भी चलेगा ये वाला गाड़ी का मिक्सअप है ये कलर ये 26,990 का पड़ा मेरे को ऑफर में GoPro ये क्या हाँ GoPro 7 है ये GoPro 7 किसने लिया है अमेज़न में Flipkart से कितना GB रहता है इंटरनल आई थिंक मैंने अभी 128 का डाला हुआ है तो आई थिंक 256 तक सपोर्ट करता है ये कौन सा रेजोल्यूशन में पड़ा हुआ मैं 1080 में ही करता हूँ जब जैसे अगर कोई सिनेमैटिक शॉट लेना होगा तो उसमें उस केस में 4K में जाता हूँ 4K हाँ वही तो उसके हिसाब से अगर जैसे अगर आप 4K रिकॉर्ड कर रहे हो तो मेमोरी कार्ड भी अच्छा क्लास 10 वाला चाहिए होता है हाँ वरना हैंग हो जाएगा क्रैश हो जाएगा या मेमोरी कार्ड ना तो वो सब देखना पड़ता है उसका आइडिया नहीं मेरे को बट मिशलिन का ये रहता है कि थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है टायर तो उसकी वजह से जल्दी जाता है व्यू काफ़ी अच्छा है अभी एंड जो लुक है वो भी ऑब्वियसली अभी बेटर है पहले ट्रांसपेरेंट वाइजर में उतना अच्छा नहीं लगता है अभी मैं एक लॉन्ग राइड जाऊँगा तब उसके बाद देखूँगा कि यहाँ पे माउंट करके आगे का कैसे कैप्चर होता है यहाँ से व्यू आ रहा है लेक का अल्टीमेट है मन कर रहा है थोड़ी देर रुकूं देन उसके बाद आगे बढ़ूं बट जो कर्व टर्निंग है राइट साइड के लिए रुक नहीं सकते ऑब्वियसली क्योंकि ट्रैफिक इंटरप्ट हो जाता है एंड मैं नहीं चाहता वो सारी चीज़ों तो अभी हम लोग निकलते हैं सीधे आगे पहुँचेंगे घर सीधे
सो अभी पहुंच चुके हैं हम लोग अपने घर। दिखा देता हूँ आपको काम कैसा किया है। फिनिशिंग अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छी है, जो ग्लॉस आ रहा है अच्छा लग रहा है, बॉडी के बाकी कलर के साथ मैच कर रहा है। तो अभी नेक्स्ट राइड पे देखेंगे यहाँ पे कैमरा माउंट करके कि कैसा व्यू दिखेगा। अगर यहाँ से देखते हैं काफ़ी हद तक विजिबिलिटी है, अगर धूप ज़्यादा है नाइट में उतना नहीं मिलेगा। सो ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।